आई मीन मतलब ऐसा लगता है कि स्टोरी जिसके पास भी जाता वो एग्री होता, क्योंकि काफी बेहद करीबी रहता है लोगों के लिए। ऐसे थे एक्टर जिनको एग्री नहीं हुआ था, बट उनका नाम नहीं लूंगा। हाँ, अमरीश पुरी मेरे लिए सबसे बड़ा एग्जांपल है इसके अंदर। इतने विलेन के रोल किए और फिर हमने उन्हें गर्दिश में देखा, विरासत में देखा, घातक में देखा, और फिर मुझे लगा यार ये तो पहले हमें लगता था क्या करियर है, फिर मुझे लगा यार ये तो वेस्ट हो गया ना करियर, मतलब और क्या क्या हो सकते थे अमरीश पुरी। इस बार हम अमित सर को काफी अलग पहले में पहले के काम में मैं लोगों को पीट रहा था, अब मैं पीट रहा हूं। ये फिल्म में सबसे अच्छी चीज ये थी कि किसी ने कोई टैंटर नहीं फेंका, सब एक इतनी फैमिली की तरह, क्योंकि जब स्टार्टिंग में झूठ बोल झूठ बोल मतलब ऐसा लगा था कि आई हैव अराइव्ड, एक ही बार लगा मुझे लाइफ में तब कि आई हैव अराइव्ड, उसके बाद कभी नहीं लगा मुझे। अब ऐसी मूवी को आपको प्रोड्यूस करना, आप भी उस टीम का हिस्सा बनेंगे, तब आप का क्या रिएक्शन था, आपको कैसा लगा? भागो। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हमारे साथ एक या दो नहीं बल्कि ऐसी तिकड़म की टीम है जो कि इस बार आपको हंसाएगी, लेकिन उससे ज्यादा आप लोगों को इमोशनल करने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वेलकम ऑन आवर चैनल और कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रेलर देखा काफी अच्छा है, काफी खूबसूरत है। इवन आज तक हमने देखा है कि मतलब एक बेटे और बाप का जो केमिस्ट्री रहता है, जो रिलेशन रहता है वो देखा गया, लेकिन जो पिता का स्ट्रगल रहता है वो बहुत ही कम देखा गया, लेकिन इस स्टोरी में वही कुछ दिखाया है, वही मतलब एक स्ट्रगल दिखाया गया। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे विवेक सर, कि जो ये स्टोरी कॉन्सेप्ट है ये आपके माइंड में कैसा है? ये मेरे माइंड में नहीं आया, तो ये मेरे एक दोस्त के दिमाग में आया था, और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उसके पास में बैठा था। तो उसने मुझे बताया कि यार ये कहानी है और ये थीम जो है, लेकिन ये मुझे ज़िंदगी भर इस चीज़ ने परेशान किया है कि लोगों को घर छोड़ के दूसरे शहरों में काम करना पड़ता है और अपने बच्चों को साल साल भर में बड़ा होते हुए देखते हैं। तो जैसे ही उसने ये कहानी बताई कि एक बाप है जो एक शहर जाना पड़ रहा है उसे और दो बच्चों को रोकना है, तो मैंने कहा यार ये मैं बनाना चाहूँगा। फिर ये 2007-08 की बात है जब हम काम करते थे, तो उसके बाद बहुत साल हुए, मैंने कुछ लिखा, उसने कुछ लिखा, कभी मैं बना रहा था, कभी वो बना रहा था, और हम बना शौकिया तौर पर कि हम बनाएंगे वाले बना रहे थे। वी वर नॉट रियली ऑन ग्राउंड डूइंग इट एक्चुअली, बट एट सम पॉइंट इट केम टू अ पॉइंट वेयर आई सेड कि अगर तू नहीं बना रहा है तो मैं ले लेता हूँ बनाता हूँ। ये 2017-18 की बात है। तो 17-18 के बाद फिर एक मेरा तब तक 12-13 में ही एक मेरे दोस्त था हार्दिक, उन्होंने तब फिर दिखाया कि जब बनाओगे तो मैं बनाऊँगा साथ में, और फिर मुझे ये मिले, इन्होंने कहा कि बनाएंगे चलो। फिर हम जब ये पूरी कहानी वानी लेके फिर जियो स्टूडियोज ऑल्सो केम इन, तो धीरे धीरे करके लोग जुड़ते गए, अमित केम इन, लॉट ऑफ बाकी जो कास्ट है लोग, म्यूज़िक डैनी ने जिन्होंने दिया है, उन्होंने कहा कि हाँ बनाते हैं करो ये, तो करते करते लोग जुड़ते गए और इस तरह से ये तिकड़म आपके सामने। इवन आपसे पूछना चाहेंगे, जब आपको पता चला कि स्टोरी ऐसी मूवी को आपको प्रोड्यूस करना, आप भी उस टीम का हिस्सा बनेंगे, तब आपका क्या रिएक्शन था, आपको कैसा लगा? भागो। जैसे स्टोरी सुना तो मुझे लगा था ये बननी चाहिए, और विवेक और मैं तब तक काफ़ी काम कर चुके थे, तो मैंने उससे यही कहा था कि जिस तरीके से आप स्टोरी नरेट कर रहे हो, अगर 70% भी आप डिलीवर करोगे ना, तो ये फिल्म 100% में ही। अभी कितना लग रहा है आपको? अभी तो हम लोग 110% क्योंकि काफी बेहद करीबी रहता है लोगों के लिए। ऐसे थे एक्टर जिनको एग्री नहीं हुआ था, बट उनका नाम नहीं हुआ। लेकिन जब आपके पास स्क्रिप्ट आया, तब आपका क्या रिएक्शन था, आपको कैसा लगा कि ये मूवी मुझे करना ही चाहिए? मैं तो ऐसी कहानी मतलब ऐसी दुनिया की तलाश भी कर रहा था उस समय, कि क्योंकि मैं उन दिनों में जो भी काम कर रहा था बहुत इंटेंस था वो, तो मैं तो एक्चुअली मैं तलाश कर रहा था कि ऐसी कोई स्क्रिप्ट आए मेरे पास जिससे कि मैं इस जगह से बचूँ और कुछ और एक्सप्लोर करूँ। और इनका बहुत अच्छा एक खूबसूरत सा एक पिच डेक आया था, और इसमें क्या कार्टून बना होता है बाप का, बच्चों का, दादा दादी का, और वो बहुत ही बाकी पिच डेक से पीपीटी से बहुत अलग था वो। तो पहले तो वही घर कर गया मेरे अंदर कि यार ये कुछ स्पेशल है ये, और फिर अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए, फिर फुर्सत पा के फिर याद आया मुझे कि यार इनसे बात नहीं पूरी हुई थी, फिर इनसे बात करते हैं। तो ऐसे करके वो डेस्टिन्ड था हमारा कि आई थिंक ये फिल्म मुझे ही मिलनी थी, क्योंकि मैं आई थिंक सबसे ज़्यादा हंग्री था इस फिल्म के लिए, और वो मैं अभी बता रहा हूँ, पहले नहीं बताया था, पैसे कम दे रहे थे। तो
पर बहुत ऑर्गेनिक प्रोसेस था ऑनेस्टली ना, बहुत बहुत ऑर्गेनिक प्रोसेस था। और आई थिंक ये फिल्म बननी थी तो इनको दोस्त मिल गया, फिर इनको प्रोड्यूसर मिल गया, फिर मैं मिल गया, फिर मुझे ये मिल गए, तो बहुत ही ऑर्गेनिक प्रोसेस था और बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस था। जैसे कि आपने भी कहा, इससे पहले आपका जो कोई भी कैरेक्टर था काफ़ी इंटेंस था, काफ़ी सीरियस रोल था, लेकिन इसमें आप लोगों को हंसाते हुए भी दिखे काफ़ी अलग। इस बार हम अमित सर को काफ़ी अलग, पहले मैं पहले के काम में मैं लोगों को पीट रहा था, अब मैं पीट रहा हूँ। ये सही बोले। लेकिन ये जो आपका कैरेक्टर का चेंजेस है, खुद में चेंजेस लाना, ये इसका क्या कुछ प्रोसेस था, आपने मतलब कुछ मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? नहीं, ये सिंपल है यार, हम सब के अंदर हर किस्म के पहलू हैं जिंदगी के ना, हम मतलब सीरियस भी रह सकते हैं, हंसा भी सकते हैं, गाना भी गा सकते हैं, नहीं भी गा सकते हैं, गाना गंवा भी सकते हैं, रो भी सकते हैं, रुला भी सकते हैं। तो एक इंसान जो है वो एक चीज़ नहीं होता है ना, वो तो हर एक चीज़ से बनता है वो एक इंसान। तो ये वाला फैसेट जो है वो अभी तक लोगों ने देखा नहीं है, इसलिए बहुत ऐसा अनजाना सा लग रहा है। लेकिन मैं एक्टर हूँ, मैं तो मतलब रोमांस भी करना चाहूँगा, मैं तो एक्शन भी करना चाहूँगा, दुनिया में कोई जॉनर नहीं बना है तो वो भी करना चाहूँगा, यू नो। तो ये अभी तो ये शुरुआत है, फिर आगे आगे देखिए क्या दिखाता हूँ। रोमांस किसके साथ करना चाहेंगे? देख कुछ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इवन सर आपसे जानना चाहेंगे कि कास्टिंग का प्रोसेस क्या था, आपको क्यों लगा कि मतलब अमित सर इसमें एकदम परफेक्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन यार, ये सवाल ना मुझे ये एक दो बार पूछा गया है पहले भी, और मुझे ये सवाल समझ नहीं आता ऑनेस्टली, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि मेरे लिए तो सवाल, जैसे मैं तो ये कहता हूँ कि व्हेन यू से व्हाई अमित एंड आई से व्हाई नॉट, बिकॉज यू नो, एक आपको अगर आपको क्या चाहिए होता है एक किरदार को प्ले करने के लिए, आपको एक एक्टर चाहिए होता है जिसमें डेप्थ हो, जो रेंज समझ सके उस चीज़ की। जो मुझे अमित का काम देख के, चाहे वो किसी और जॉनर में है, वो किसी और टोन के साथ है, लेकिन आपको समझ में आता है ना कि एक्टर इंटेलिजेंट है, जो परफॉर्म कर रहा है वो अच्छी चीज़ तरीके से सोच समझ के परफॉर्म कर पा रहा है। तो वो क्यों नहीं कर पाएगा अगर उसको लाइट भी करना होगा? तो वो तो मुझे लगता है कि हम ही बांध देते हैं ना अपने दिमाग में कि ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, और फिर हम उनके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। अमित को मैं ये बड़ा एग्जाम्पल हर बार देता रहता हूँ कि अमरीश पुरी मेरे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसके अंदर। उन्होंने इतने विलेन के रोल किए, और फिर हमने उन्हें गर्दिश में देखा, विरासत में देखा, घातक में देखा, और फिर मुझे लगा यार ये तो, पहले हमें लगता था क्या करियर है, फिर मुझे लगा यार ये तो वेस्ट हो गया ना करियर, मतलब और क्या क्या हो सकते थे अमरीश पुरी, मतलब और मुझे क्यों नहीं मिला वो, ये तो चीटिंग है मेरे साथ कि मुझे आप वो नहीं दिखा रहे हो। तो मुझे लगता है वी आर चीटिंग आर ऑडियंस, कि हम जब एक्टर से वही चीज़ें बार बार कराते रहते, तो हम अब जब अगर ऐसे कोई एक्टर होते जिन्होंने यही रोल किए होते बहुत सारे, मैं उन्हें लेकर आ जाता तो आपको भी लगता हाँ वही है जो है, लेकिन जब अमित कर रहे हैं तो आप उनका सवाल नहीं बढ़ती है। आई एम नॉट बीइंग एबल टू सरप्राइज यू ना विद अमित, आई कैन सरप्राइज यू कि, और आपको भी लग रहा है हाँ यार ये भी तो है अच्छा है, तो वो सरप्राइज ऑडियंस को हमेशा देना ही चाहिए मुझे लगता है। ना ना, इट वाज बेस्ट चॉइस, सॉरी बेस्ट चॉइस था, बेस्ट चॉइस सर, बेस्ट चॉइस। आप रिपीट भी कर रहे हो दो बार के। इवन कुछ ऐसे मेमोरीज शेयर करना चाहेंगे आप इनके साथ, जब डायरेक्शन कर रहे थे, कुछ रोल समझाते हुए या फिर कुछ सीन समझाते हुए? एक चीज मतलब मुझे ऐसा इंसिडेंट तो मैं कुछ ऐसा नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि, और ये अच्छे एक्टर्स के साथ होता है काम करते वक्त ना, कि आपको अगर आप कोलैबोरेटिव प्रोसेस के लिए ओपन हैं तो बहुत कुछ है जो एक एक्टर, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरी पहली फिल्म है, ये बहुत काम कर चुके हैं, बहुत सेट्स पे रह चुके हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्मेट बहुत किया है, लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट मैंने पहला डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर पहली बार किया है। तो वो सेट पर ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरा काम होता है, लेकिन ये कर देते थे मेरे लिए। अब जैसे, और कई बार वो क्या होता है ना, अरे जैसे कोई एक एक्टर है जैसे जिसको कुछ वो अमित के साथ ही करना है, तो उसके अंदर कभी कभी मुझे इनकी हेल्प मिल जाती थी उसके अंदर कि अरे मैं इसको ऐसे करवा दूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको लगता है कि जब आप अच्छे एक्टर हायर, एक्चुअली डायरेक्टर का आधा काम ही खत्म हो जाता है अगर आप अच्छे एक्टर हायर करो, और एक्टर का सारा काम खत्म हो जाता है अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने। आपको शेयर करना चाहेंगे इनके साथ मेमोरी? मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। आई थिंक हम दोनों का फ्रॉम डे वन, आई थिंक स्क्रिप्ट नरेशन से ही वो जो सब डिस्कशन शुरू हो गए थे, आई थिंक हम लोगों का बहुत अच्छा पार्टनरशिप हो गया था, बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप हो गया था, और बहुत इंटरेस्टिंग था। तो एक्चुअली मैं इतने टाइम से खोज रहा था ना ऐसा काम जिसमें मतलब कुछ और करने को मिले, तो उसी से मैं इतना खुश था ना कि आई थिंक एवरीथिंग फेल फॉर मी इन द राइट प्लेस। और मुझे एक और चीज़ लगती है ना कि ये प्रोजेक्ट पे ना हम बहुत सच्चाई बहुत थी इस प्रोजेक्ट में, ऑनेस्टी बहुत थी,
कि बहुत बार होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो हमें बताया जाता है अरे वो एक्टर आ रहे हैं उनके साथ ऐसे ऐसे है तो ये मत कहिएगा वो मत कहिएगा। मैं आपकी बात ना जनरली मैं बोल रहा हूँ मेरी तरफ देख कर रहे हैं तो लेकिन क्या होता है ना मुझे लगता है कि ज़्यादातर ना वो चीज़ें ख़राब तब होती है जब हम झूठ बोलते हैं और ना ये मुझसे झूठ बोल रहे थे ना मैं इनसे झूठ बोल रहा था हम सभी जो सच था वो सबके सामने था और उसमें फिर क्या होता है फिर टीम जुड़ जाती है कि अच्छा अब ये सिचुएशन है इसके अंदर ये प्रॉब्लम है तो साथ में करते हैं। लेकिन यही आप घुमा के बोलो कि यार अच्छा क्या हुआ ना मेरे को नया थॉट आया वो एक्टर को भी समझ में आता है इंटेलिजेंट लोग हैं कि अच्छा ये अब अच्छा अब मैं बताता हूँ तुमको तो फिर वहाँ चीज़ें बदल जाती हैं अगर आप ऑनेस्टी के साथ हमने काम किया और इसलिए शायद चीज़ें ठीक रही हमारे लिए। आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे सर अमित सर या फिर विवेक सर? ये फिल्म में मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा ये नहीं होते तो हम में से ये कोई ये बात तो बहुत था और बहुत बड़ा ये भी नहीं होता आप भी नहीं होती आज अब आप बोलिए। ये फिल्म में सबसे अच्छी चीज ये थी कि किसी ने कोई टेंशन नहीं लिया सब एक इतनी फैमिली की तरह क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब कोई और उसके बाद एक बार स्टूडियो के आने के बाद चीजें थोड़ी ऑब्वियसली चेंज हो जाती है। सबसे पहला था सर हमारे पास वैनिटी नहीं है लेकिन हम नहीं आपने पता क्या बोला था जब वैनिटी की बात हुई थी मुझे पता चली थी आपने बोला था कि अरे यार यहाँ पे कहाँ वैनिटी गाड़ी करूंगा तो मैंने वैरायटी वाज नॉट अ नहीं वो तो आ ही नहीं सकती थी ना वहां नीचे थे विलेज में एकदम माउंटेन से एकदम अंदर जाते हुए तो वहां पे वैरायटी पहुंचना तो नहीं वो एक्चुअली ज्योग्राफी भी समझ में नहीं आई थी ना वो तो आपको आने के बाद आपको मैंने कहा हां यहां के वहां कैसे वैरायटी लगी और यहां वैरायटी लगाना तो पाप है ना मतलब हां हां बिल्कुल उनका मैनेजर तो परेशान हो गए थे कि वैरायटी के बिना शूट करेगा ही नहीं हमें नहीं वो किसी को समझ में नहीं आया था ना क्या चक्कर सर ये सब ये सारी चीजें ना ये सब होता रहता है। इवन जैसे कि इसमें दिखाया गया एक फादर का स्ट्रगल पीरियड दिखाया गया तो हम आप रियल लाइफ में पूछना चाहेंगे शॉर्ट में आप बताना चाहेंगे कि जब आप अपनी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तब ऐसा क्या कुछ चढ़ रहे थे क्या मतलब अभी भी चढ़ ही रहा हूँ यार लेकिन मैं अभी तो छोटी सक्सेस है यार अभी तो बहुत लंबा जाना है आप पूछो तभी जब शुरुआती दौर चल रहा था तब क्या कुछ आपको झेलना पड़ा था आपको सहन करना पड़ा था जब बॉलीवुड में आप एंट्री करे थे क्योंकि इसके पहले आप प्रीवियसली कुछ और वर्क कर रहे थे तो वो हम जानना चाहेंगे। यार जब मुझे पता चला ना कि अब मैं एक्टर ही बनना चाहता हूँ एक्टिंग ही करूँगा बनना नहीं चाहता हूँ मैं एक्टिंग ही करूँगा तो फिर कोई स्ट्रगल नहीं होता क्योंकि अपना पाथ मिल जाता है ना चैलेंजेस होते हैं डिफिकल्टीज होती हैं रोज़ का कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी कभी कभी गिव अप करने का मन करता है बट पाथ मिल जाता है ना तो वो आपको रोकता रहता है वो तो उसको मैं तो स्ट्रगल ज़्यादा मानता नहीं हूँ उसको यू नो वो मतलब वो स्ट्रगल नहीं है वो हम लोग स्ट्रगल ऐसे बोल देते हैं वर्ड बट वो मतलब ऐसे स्ट्रगल नहीं है कि मतलब अरे यार वो तो स्ट्रगल तो ऐसा लगता है कि मैं यार ये करना नहीं चाहता हूँ करना पड़ रहा है यू नो तो मैं तो करना ही यही चाहता हूँ चाहता था तो वो मिल गया मुझे और उसके बाद से जो भी है सब वो तो होना ही था जो हुआ है यू नो और वो सबके साथ होगा मेरी कहानी किसी से भी अलग नहीं है वो तो आप किसी भी काम में किसी से पूछ लोगे उनके साथ भी वही हो रहा है यू नो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ता है जैसे कि ऑडिशन में रिजेक्शन होना फिर बाद में जल्दी से इंडस्ट्री में मतलब जब जाते तो जल्दी प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते वैसा कुछ आप मोमेंट शेयर करना चाहेंगे तो जब नहीं मिलेंगे ना यार वो तो मतलब हमारे लिए थोड़ी ना कारपेट बिछा के लोग बैठे हुए हैं कैसे मिलेंगे वो तो आपको स्ट्रगल इन उस सेंस में स्ट्रगल करना पड़ेगा कि आप उनकी नज़रों में तो आओ यू नो वो तो आपका काम है वो थोड़ी ना आपके घर पर आके काम देंगे तो वो तो होगा ही होगा वो आप भूखे मरोगे ही मरोगे यू नो आप या तो मुझे लगता है कि जो भी हम लोग जैसे लोग हैं यहाँ पे जो ये काम कर रहे हैं ये बहुत इंटेंजिबल काम है ना और इंटेंजिबल काम जिसको आप मतलब आपने कोई ऐसा तो नहीं है कि ठोक ठाक के कुछ टेबल बना दिया चेयर बना दी दिखाने के लिए तो हवा में बातें चल रही हैं तो वो आप कुछ प्रूव करके दिखाओगे उनको तभी वो करेंगे तो ये कैच 22 सिचुएशन है इसलिए प्रॉब्लमेटिक है यू नो कि आपके पास कुछ बनाने दिखा के बनाने के लिए आपका सपना पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है वो दुनिया की जिम्मेदारी नहीं है तो आप जब शहर में आते हैं और एक्टिंग करना चाहते हैं डायरेक्शन करना चाहते हैं कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा ना मुश्किल तो होगा कोई भी चीज़ तो आप हमारी क्या हर फील्ड के अंदर मुश्किलें होती हैं हमारी फील्ड थोड़ी अलग है क्योंकि बहुत ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ये ऑफिस है जहाँ ये इंजीनियरिंग का काम होता है जहाँ आप जाएंगे तो
वैसा नहीं है, बहुत सारी जगह है, बहुत सारे दरवाजे हैं, आपको सारे दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, सारी चीजें करनी पड़ेंगी, सबने ही किया है। और फिर वो आप वो भगाए भी जाओगे उन दरवाजों से, तो अपने क्या है, चाय वाय पी लो नुक्कड़ पे जाके। और एक बड़े अच्छे इन्होंने विजय राज ने मेरे को एक बार बहुत अच्छी एक बात कही थी कि खेल ये है ही नहीं कि तुम्हें काम आता है नहीं आता, काम तो आना ही पड़ेगा, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। खेल ये है कि तुम पलट के वापस चले जाते हो कि नहीं जाते हो। तो यहाँ खड़े रहना ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको खड़े रहना बहुत जरूरी है। लगे रहिए, हो जाता है हर काम में, और अपने काम पे और अपने काम पे काम करते रहेंगे अगर, तो कभी ना कभी कोई देख ही लेगा। इवन इसमें एक आप मेंशन किए कि मेरी सैलरी 30,000 होगी तो फिर मैं अपने बच्चों का मतलब अच्छे से देख रेख करना चाहूँगा। इवन जब हमें लाइफ में फर्स्ट सैलरी मिलती है ना, तो हमें हमेशा याद रहता है, भले हम आगे जाके कितना भी कमा लें। तो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, अगर आप इफ़ यू डोंट माइंड, कि आपकी फर्स्ट सैलरी क्या थी जब आप मुंबई आए या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में। मेरी फर्स्ट सैलरी थी जब मैं कानपुर से दिल्ली गया कॉलेज करने के लिए, जिस कॉलेज में मैं कभी गया नहीं क्योंकि मैं थिएटर करता रहा, और कुछ 3-4 महीने की क्यूमुलेटिव सैलरी मिली थी मुझे, सैलरी बोलेंगे ना उसको, रेम्यूनरेशन, हाँ रेम्यूनरेशन मिला था, वो था 4,000 रुपये। ये बात बता रहा हूँ आपको मैं 94-95 ऐसे, तो काफ़ी होते थे आई थिंक ना, लेकिन 3-4 महीने के हिसाब से ठीक ठाक थे वो। हाँ तो मतलब ऐसा लगा था कि आई हैव अराइव्ड, एक ही बार लगा मुझे लाइफ में तब कि आई हैव अराइव्ड, उसके बाद कभी नहीं लगा मुझे। अब तो मैं ये शब्द का यूज ही नहीं करता हूँ क्योंकि जैसे ही मुझे लगता है आई हैव अराइव्ड, वो पड़ती लाठी ऊपर से तड़ाक। एंड आप शेयर करना चाहेंगे मेरी? हाँ, मेरी पहली जॉब थी जस्ट डायल करके, जो कंपनी हम फोन करते हैं ना जहाँ पे कि इसका नंबर बता दीजिए उसका नंबर बता दीजिए, वहाँ पे थी मेरी। 2200 रुपये सैलरी थी मेरी पहली। हाँ महीना बहुत थी सर, ये कौन से ईयर की बात? इतना बहुत नहीं थी, काफी कम थी। ये थी 2004 में, कम थी थोड़ी। मेरी भी सुननी है आपको, मेरी तो पहले 75 रुपये थी, वो जो शादी में ट्रेज लेके जाते हैं वो वाली है? 75 रुपये शादी में जो ट्रेज लेके सर्व करते हैं। नहीं मजाक कर रहा है यार, नहीं मजाक नहीं कर रहा सर। आप ये होती सक्सेस, समझ रहे हो? हमने क्या उखाड़ लिया, वेरी गुड यार साहब। यार इवन इसमें एक फादर का रिलेशन दिखाया गया है बच्चों के लिए, कितना स्ट्रगल कर रहा है वो बच्चों को अच्छी सुविधा देने के लिए। इवन हम रियल लाइफ में ना सबसे ज्यादा माँ की बात करते कि माँ कितना स्ट्रगल करे, कितना मतलब सबसे ज्यादा उनकी बात जो दिखाते हैं, जो दिखाते हैं, लेकिन पापा की जो बात रहती बहुत कम जन करते, और वो आप एकदम जो है वो दिखा रहे। तो आप कुछ बताना चाहेंगे अपने या फिर पापा से रिलेटेड कि आपके पापा ने आपके लिए सबसे बेस्ट मोमेंट आपके लिए क्या था जब? अरे फादर लोग बहुत मिसअंडरस्टूड होते हैं यार, वो अभी क्या है कि अब हम लोग भी बड़े हो गए हैं, फादर हो गए हैं, तो अभी सब बातें समझ में आती हैं, लेकिन फादर मिसअंडरस्टूड क्योंकि वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं बेचारे मेरे। तो पिताजी मुझे याद है कि 2-3 बार की कभी उन्होंने हाथ छोड़ा हो मेरे ऊपर, जब मैंने मतलब अति पार कर दी होगी तभी छोड़ा हुआ। तो पिटा तो मैं मम्मी से ही हूँ हमेशा, और लेकिन डर भी उनसे ही लगता था कि पापा से ज़्यादा डर लगता था। तो मम्मी की खा के तो इतनी आदत पड़ गई थी कि अब पता भी था कि कितनी ज़ोर की पड़ेगी यार, यहाँ पे पड़ेगी तो इतने ज़ोर की पड़ेगी, मुँह पे पड़ेगी उतने ज़ोर की पड़ेगी। लेकिन फादर्स हमारे मतलब हमारे देश में तो मतलब मेरी जनरेशन में तो बहुत मिसअंडरस्टूड प्राणी है, और वो इसलिए क्योंकि कम बोलते हैं है ना, मेरे काम से काम रखते हैं अपने। मेरे पापा तो मुझे हमेशा ये बोलते रहते थे कि तुम थोड़े सोबर रहा करो यार, तुम थोड़े ना रिजर्व रहा करो, तुम जब देखो तुम मतलब वो पटांग पाते हैं और ये वो फलाना ढिमकान। मुझे तो रिजर्व का ही मतलब नहीं समझ में आया, अभी थोड़े दिन पहले आया था मुझे समझ में क्या बोल रहे हैं। जनरेशन की कंडीशनिंग है ना, आदमी कैसा होना चाहिए हाँ ये उसके ऊपर। तो सारे आई थिंक फादर्स जो है मतलब हमारे तो सालों तक आज भी यही है एक्चुअली, कि अगर उनको बर्थडे विश करना होता है इज वेरी ऑकवर्ड, एंड आई एम आल्सो ऑकवर्ड। आई लव यू तो मतलब बोलना मतलब पहाड़ वहाड़ टूट सकता है। नहीं नहीं वो नहीं होगा, वो वैसा नहीं होता, ये सब हाँ मिथ्या है। आई लव यू पापा, आई थिंक आजकल का पेरेंटिंग चेंज हो गया। हाँ अब जो पेरेंट बने हैं इस वक्त वो बड़े कंफर्टेबल है अपने बच्चों के साथ, बट अदरवाइज वो तो पूरी जनरेशन कई सालों तक पिछली 3-4 पीढ़ियां हमसे पहले वाली उन सबको यही बताया जाता था। जैसे एक बड़ी रिसर्च है इसके ऊपर पूरी की, जो मेन ऑफ द 60s 70s 80s 90s
वो टॉट टू बी हार्ड कि आपको ये ज़्यादा दिखाना नहीं, और क्योंकि उस टाइम जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत होता था, तो उसमें क्या होता था कि आपको फादर को ये बताया जाता था कि बच्चों पे ज़्यादा प्यार दिखाना नहीं है, क्योंकि कल को चाचा के बेटे को लगे कि यार ये अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करता है. तो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, दैट वॉज द रीज़न वाई फादर्स वर केप्ट अवे फ्रॉम देयर किड्स. जैसे मेरे साथ हुआ है, मेरे बचपन में मुझे मेरे घर में बताया जाता है कि मेरे पिताजी ने बचपन में मुझे उठा लिया था, और वो मेरा बेटा करके ना ऐसे उन्होंने उठा लिया था, तो मेरी दादी ने तुरंत डांट दिया था, क्या मेरा बेटा लगा रखो इसको नीचे, सारे बेटे हैं. तो वो जो पूरा एक कंडीशनिंग है सालों तक की, तो फिर आप धीरे धीरे वो इमोशन, आप इमोशनली तो आप फिर उसमें हो ही ना करेंट में, माँ रहती है, माँ को आप जाके हक भी कर लेते हो, सारी बातें भी कर लेते हो. फादर जो होता है वो एक डिस्टेंट फिगर ही होता है, फिगर ऑफ अथॉरिटी, फिगर ऑफ रिस्पेक्ट. बट हाँ, इवन जैसे कि अभी सुनने में ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, क्या ये लाइफ ज्यादा अच्छी थी सर? नहीं, कहीं ना कहीं तो सर इसमें जो अंदर से आ रहा है वो तो नेचुरल है, उसको दबाना तो. इवन जैसे कि अभी ओटीटी का जनरेशन आ गया, तो आपको क्या लगता है कि ओटीटी ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो चुका है, या फिर ये इजी हो गया है लोगों को इंडस्ट्री तक पहुंचना, आपको क्या लगता है? ये एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हजारों सालों से चले आ रहा है, यू नो, कि अगर काम बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो लोग भी तो उतने ज्यादा आ रहे हैं ना, तो कॉम्पिटिशन उतना ही है. और पहले अलग तरीका होता था काम मिलने का, अब अलग तरीका होता है, मेहनत उतनी लगती है, यू नो. आप वही प्री रिक्विजिट तो वही है ना, कि काम तो आना चाहिए, काम तो आना बहुत जरूरी है, उसके बिना कैसे होगा. मैं लास्टली आपसे पूछना चाहेंगे कि जो स्क्रीन प्ले होता है वो सबसे अहम पार्ट होता है कोई भी मूवी बनाना, क्योंकि अगर आपके डायलॉग्स इम्पैक्टफुल नहीं रहे तो वो मूवी लोग मतलब अट्रैक्शन नहीं होगा लोगों का, लोग इंगेज नहीं हो पाएंगे. तो आपको क्या लगता है जो स्क्रीन राइटर होते हैं उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है कभी कभी, क्योंकि हम डायरेक्टर का नाम देखते, कास्ट का नाम देखते, लेकिन राइटर का कहीं ना कहीं छुप जाता है. तो आपका क्या इस पर ओपिनियन है कि उनको भी उस वे में? मुझे लग रहा है बदल रहा है ऐसा, आजकल तो चीज़ें बदल रही है. अभी हमारे पास इनफैक्ट आज 20 तारीख है, तो उसकी एक सीरीज भी है आई थिंक कि जिसके ऊपर जो सलीम जावेद पे बनी है, दे आर लेजेंड्स, राइट? सो ऐसा नहीं है, आई थिंक अगर आपका क्राफ्ट उस लेवल तक पहुंच गया, तो आप अगर एक्टर्स की भी बात करें ना, वो दिखते ज़्यादा हैं क्योंकि वो स्क्रीन पे परफॉर्म कर रहे हैं. लेकिन इसको मैं एक और अलग तरीके से इसका जवाब देना चाहूँगा कि आपका जो क्राफ्ट है, वो आपने जो भी चूज़ किया, मुझे ये, मैं बहुत बिना किसी शर्म के साथ कह सकता हूँ, मुझे लगता है एक्टिंग हमारी सारी चीज़ों में सबसे मुश्किल काम है. और उसका एक कारण है कि हम सब ना, हमको छुपने की जगह मिल जाती है, हम कैमरा के पीछे छुप सकते हैं. और मेरा करियर एज अ डायरेक्टर या एज अ राइटर सरवाइव कर जाता है एक आध खराब चीज़, एक्टर के करियर बहुत इफेक्ट करते हैं. तो हम जो कंपैरिजन है ना एक्टर्स के साथ, वो नहीं होना चाहिए मुझे लगता है. एक्टर का करियर भी बहुत एक्टर का करियर बहुत सीमित भी होता है, कि आप देखोगे 4 साल आपको कोई दिखेगा, उसके बाद तो फिर वो तो 4 साल ही कमा रहे हैं ना. आप एज अ राइटर डायरेक्टर बहुत सालों तक अपना काम करते रहते हो, तो मुझे लगता है ये अनफेयर कंपैरिजन है. और आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद एक्टर्स गेटिंग पेड लॉट ऑफ मनी. ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी, इट हैज टू मेक सेंस इन टर्म्स ऑफ टोटल बजट. पर मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है कि आपका क्राफ्ट अगर उतना अच्छा है तो लोग जानते हैं यार, ऐसा नहीं है कि और धीरे 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 करके अब वो चीज़ें आप देखोगे ना, कि आप लिरिसिस्ट का नाम आने लग गया है, कहीं स्क्रीन पे राइटर का नाम आने लग गया है. अब हम सब इनफैक्ट सुजीत ने जूही का नाम उनके बाद डालते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग कर रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है, और अब तो और ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ओटीटी जो पूरा है वो तो आप, मुझे लगता है राइटिंग इज द एक्चुअल हीरो देयर. सो धीरे 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 करके दिख रहा है धीरे, और हो जाएगा, ऐसे ही होता है. जो चीज़ सामने दिखती है वो हमेशा ज़्यादा बिकेगी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है और वो हो जाएगा. ओके, सो फाइनली आप लोगों को ऑल द बेस्ट 23 अगस्त को जो तिकड़म की जो टीम आ रही है उसके लिए. और लास्टली आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के रिगार्डिंग? 23 अगस्त जियो सिनेमा प्रीमियम पे आप हमारी फिल्म देखिए, सब परिवार देखिए, अपने दोस्तों के साथ देखिए, पड़ोसियों के साथ देखिए. बहुत ही सिंपल सरल फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म है, और ये आपको हंसाएगी रुलाएगी. तो जियो सिनेमा प्रीमियम 23 अगस्त, प्लीज़, थैंक यू. हाँ, तो देखिए, ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो फिल्म है ये पूरे देश की कहानी है. आपके घर से कभी ना कभी कोई ना कोई गया होगा, या आप खुद अपना घर छोड़कर कभी ना कभी आए होंगे. तो ये जो फीलिंग है जो एक परिवार को गुजरना पड़ता है इन चीज़ों से, वो सभी ने कहीं ना कहीं महसूस की है. तो ये वो मोमेंट है जहाँ पर हम उस चीज़ को दिखाना चाहते हैं, और हम बहुत एंटरटेनिंग तरीके से बच्चों के नज़रिए से एक बहुत ही इनोसेंट दुनिया में दिखाना चाहते हैं. तो आप देख सकते हैं, आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, बच्चों के साथ देख सकते हैं, अपने माता पिता के साथ देख सकते हैं. तो ज़रूर देखिए 23 तारीख को,
जियो सिनेमा प्रीमियम पर, और हमें बताइए उसके बाद आपको कैसी लगी, जिस भी जरिए से आप बता सकते हैं। ऑनलाइन देखिए, प्लीज देखिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।